गति भाग चार, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। पिछले वीडियो में हमने दिशा के साथ चाल या वेग और वेग में परिवर्तन की दर या त्वरण के बारे में जाना। इस वीडियो में हम ग्राफ पर किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करना सीखेंगे। ग्राफ से हम आसानी से दो भौतिक राशियों के बीच संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिकेट के खेल के दौरान हम रन और ओवर के ग्राफ से टीम के प्रदर्शन का वर्णन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एक सरल रेखीय ग्राफ में किसी वस्तु की गति का वर्णन कर सकते हैं। एक रेखीय ग्राफ में हम एक भौतिक राशि जैसे दूरी या वेग का किसी दूसरी राशि जैसे समय पर वर्णन कर सकते हैं। पहले हम दूरी समय ग्राफ के बारे में बात करते हैं। इस ग्राफ में x अक्ष पर समय और y अक्ष पर दूरी को लेते हैं। दूरी समय ग्राफ दो अवस्थाओं को लेकर बनाया जा सकता है, या तो वस्तु एक समान चाल से चल रही है या फिर असमान चाल से। पहले हम एक समान चाल की अवस्था लेते हैं। यदि एक वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो हम जानते हैं कि ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। हम कह सकते हैं कि दूरी लिए गए समय के समानुपाती है। तो चलो हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। माना कि वस्तु पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चलती है, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चलती है और इसी प्रकार चलती रहती है। ग्राफ में बिंदुओं पर निशान लगाओ। यदि तुम इन बिंदुओं को मिलाते हो तो तुम देखोगे कि मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा बनती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के सापेक्ष तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा होती है। यदि विस्थापन का परिमाण किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समान है तो हम एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ से किसी वस्तु की चाल भी पता कर सकते हैं। किसी वस्तु की चाल उसके दूरी और समय के बीच ग्राफ की प्रवणता यानी स्लोप से ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब हम पिछले दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल का पता लगाते हैं। ग्राफ पर दो बिंदु A और B चुनो। बिंदु A से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचो और बिंदु B से y अक्ष के समांतर दूसरी रेखा खींचो। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलते हुए त्रिभुज ABC बनाती हैं। अब ग्राफ पर AC समय अंतराल को दर्शाता है जबकि BC दूरी को दर्शाता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे ही वस्तु बिंदु A से बिंदु B पर जाती है, ये 15-10 बराबर 5 सेकंड समय में 30-20 बराबर 10 मीटर दूरी तय करती है। वस्तु की चाल V को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, V बराबर चली गई दूरी बटा लिया गया समय, चाल बराबर 10 मीटर बटा 5 सेकंड बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा यदि गति त्वरित है? हम उसी प्रकार त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ बना सकते हैं।
यहाँ एक तालिका दी गई है जो क्रमशः समय अंतरालों में तय की गई दूरी दर्शाती है। क्या तुम तालिका में दी गई जानकारी से ग्राफ बना सकते हो? एक बार बिंदुओं पर निशान लगाने के बाद तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा चली गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार ग्राफ किसी वस्तु की असमान चाल की गति को दर्शाता है, क्योंकि इस ग्राफ की प्रवणता समय के साथ बदलती रहती है। अब हम वेग समय ग्राफ को देखते हैं। किसी सरल रेखा में चल रही वस्तु के लिए समय के साथ वेग में परिवर्तन को वेग समय ग्राफ से व्यक्त किया जा सकता है। माना कि एक कार एक निश्चित दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से चल रही है। किसी निश्चित समय पर वेग को लेकर उस कार का वेग समय ग्राफ बनाया जा सकता है। यहाँ समय और वेग को क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर दर्शाया गया है। क्योंकि कार एक समान वेग से चल रही है, तो इसके वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। पहले हमने एक समान वेग समय तथा विस्थापन के संबंध के बारे में पढ़ा था, अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटा समय या विस्थापन बराबर वेग गुना समय। इसलिए वेग समय ग्राफ और समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के परिमाण के बराबर है। क्योंकि कार एक ही दिशा में गतिमान है, तो विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर होगा। समय एक घंटे और दो घंटे के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए ग्राफ में समय बिंदुओं पर लंबवत रेखाएं खींचते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग ऊंचाई AC या BD से दर्शाया गया है और समय अंतराल को लंबाई AB या CD से दर्शाया गया है। तो दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा चली गई दूरी S बराबर आयत ABDC का क्षेत्रफल बराबर AC गुना CD बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 2 माइनस 1 घंटा बराबर 60 किलोमीटर। अब त्वरित गति को देखते हैं। पहले हम वेग समय ग्राफ पर एक समान त्वरण के प्रभाव पर बात करते हैं। एक समान त्वरित गति में वेग समान समय अंतरालों में समान रूप से परिवर्तित होता है। माना कि एक ट्रेन ड्राइवर विराम से प्रारंभ करते हुए प्रति 10 सेकंड के समय अंतराल में ट्रेन का वेग दर्ज करता है। क्या तुम इस जानकारी से वेग समय ग्राफ बना सकते हो? इसे कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ फिर से एक सीधी रेखा होती है। हम वेग समय ग्राफ से ट्रेन द्वारा चली गई दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करने के लिए हमें वेग समय ग्राफ में ABCDE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABCDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल प्लस आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना
AD गुना ED प्लस AB गुना BC। इसी प्रकार हम किसी असमान त्वरित ट्रेन का वेग समय ग्राफ बना सकते हैं। असमान गति के लिए वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। इस ग्राफ में ट्रेन का वर्तमान वेग इसके पिछले वेग से कम या अधिक हो सकता है। ये दर्शाता है कि ये असमान त्वरित गति है। हम किसी वस्तु की वेग और समय के बीच ग्राफ की प्रवणता यानी स्लोप से उसकी त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ग्राफ पर किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करना सीखा। अगले वीडियो में हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरण के बारे में जानेंगे।